आप सबको जय मसीह की। भजन संहिता 100 उसका 5 प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। सच में हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए है। हम धन्यवादी हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा भले कामों को हमारे जीवन में करता है और अपनी भलाइयों को हमेशा हमारी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनाए रखता है। तो आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर से, उस भले परमेश्वर से दुआ करें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ परमेश्वर पिता, और प्रभु आपसे दुआ करती हूँ पिता उन लोगों के लिए। प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु जी महान है, प्रभु जी आप भले हैं प्रभु, और करुणामय परमेश्वर हैं, दयालु हैं परमेश्वर, और सच में प्रभु आप सच्चाई के परमेश्वर हैं। प्रभु आप प्रभु जी अपनी सच्चाई को, अपनी करुणा को, अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में देते हैं परमेश्वर। इस बात के लिए यीशु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि परमेश्वर आपने अपने बेशकीमती लहू को हमारे लिए बहाया प्रभु, हमारे पापों को धो दिया प्रभु, और हमें प्रभु उस सारे पाप के बंधनों से, उस शैतान के बंधनों से प्रभु आपने हमें छुड़ाया प्रभु जी। इस बात के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में तू राजाओं का राजा और महान जीवित परमेश्वर है पिता। सच में प्रभु तू हमसे प्रेम करता है, और धन्यवाद उस अगापे प्रेम के लिए मेरे यीशु। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु अपने जीवन में परेशान हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, प्रभु मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर कि सच में मेरे पिता आप प्रभु कभी भी किसी को नहीं छोड़ते प्रभु जी, वरन आप प्रभु उनके संग बने रहते हैं, उसके सहायक बनकर, उसकी ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं परमेश्वर पिता। आज जो भी अपनी कठिन परिस्थितियों में है प्रभु, और जितने भी जीवनों में प्रभु उनकी रुकावटें आती है, समस्याएं आती हैं परमेश्वर, प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता कि आप अपनी भलाइयों को, अपनी करुणा को प्रभु उन पर प्रकट करें पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु उनकी दुआओं को सुने और उसका उत्तर दे मेरे खुदावन। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जी, जिन लोगों के परिवार में प्रभु बहुत सारी गड़बड़ियां हैं प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रभु खत्म हो चुका है प्रभु, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं परमेश्वर, वरन प्रभु उनके बीच में फूट पड़ गई है परमेश्वर पिता। मैं आपसे उन लोगों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करती हूँ मेरे प्रभु कि आप उन लोगों की सुधि ले मेरे प्रभु जी, आप उन लोगों पर अपनी करुणा को दे मेरे प्रभु, उनके हृदयों को बदल दीजिए, उनके कठोर हृदयों को प्रभु आप मांस और लहू का बना दीजिए, कोमल हृदय दे दीजिए प्रभु, और पिता आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करिए प्रभु, और पिता अपनी भलाइयों को, अपनी करुणाओं को प्रभु जी, अपनी सच्चाई को प्रभु उनके जीवनों में दे, ताकि प्रभु वो सब प्रभु तुझे प्रभु जी महिमा दे सके मेरे प्रभु, वो हर एक कलेश यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चला जाए प्रभु, वो हर एक प्रभु एक दूसरे के प्रति गलत सोचना प्रभु वो उनके जीवनों से चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु उन बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी गलत संगति में है मेरे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वहां से निकलना चाहते हैं प्रभु, और बहुत ज्यादा वो अपने आप से प्रयास करते हैं मेरे प्रभु, पर पिता हम आपसे दुआ करते हैं कि शैतान प्रभु उन्हें इन कब्जों में लिए हुए है प्रभु जी, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए पूर्ण रीति से छुटकारे को मांगते हैं मेरे प्रभु, कि आप प्रभु उन्हें प्रभु इस गलत संगति से छुड़ाएं प्रभु जी, क्योंकि आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु
जो प्रभु जी अपने जीवन में कर्जों में डूबे हैं परमेश्वर, और बहुत सारे कर्जे उनके जीवन में बने हैं मेरे प्रभु, और वो बहुत परेशान रहते हैं प्रभु जी। पिता कई लोग तो प्रभु अपने घर का किराया भी नहीं दे पाते हैं परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु कि आप यहुआ ईरे हैं प्रभु, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप उनके लिए मेरे प्रभु जी अद्भुत कार्यों को कीजिए प्रभु, आप उनके जीवन में दया को करें प्रभु जी, आप अपनी करुणा और भलाइयों को प्रभु उनके लिए दिखाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप जिसके साथ होते हैं प्रभु आपकी करुणा उनके साथ होती है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके कर्जों से उन्हें मुक्त कर दिया है, उन्हें आजाद कर दिया है प्रभु, और उनके लिए आपने बहुत बड़े उपायों को उनके जीवन में दे दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग आज अपने प्रभु बीमारियों में है मेरे परमेश्वर पिता, पता नहीं प्रभु उनके जीवनों में कैसी कैसी बीमारियां हैं मेरे प्रभु, प्रभु जिनको भी पिता परमेश्वर जॉइंट पेन है मेरे प्रभु जी, और प्रभु जी जिन्हें भी कैंसर है प्रभु परमेश्वर, थायराइड की बीमारी है पिता परमेश्वर, और प्रभु शुगर की बीमारी है पिता परमेश्वर, पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इन सारी बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से कैंसल आउट करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके लिए कोई काम संभव नहीं है मेरे परमेश्वर। प्रभु आप उनकी रोगों से उन्हें चंगा करें पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तूने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, यीशु आपने उनकी बीमारियों को उठा लिया प्रभु, क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जिनके जीवनों में बहुत सारे प्रभु रिलेशनशिप में गड़बड़ियां चल रही हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में गड़बड़ियां चल रही हैं परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु उनके विचारों को आप शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, और उनके मन में प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रेम को दीजिए, क्योंकि प्रभु आपके अंदर प्रेम भरा है प्रभु, वही प्रेम प्रभु आप उनके अंदर दीजिए प्रभु, उनके अंदर विश्वास को दीजिए एक दूसरे के प्रति प्रभु, कोई भी डिस्टर्बेंस कोई भी गड़बड़ी प्रभु उनके जीवन में ना आने पाए प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक शैतान के बंधनों से प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु, उनके रिश्ते को प्रभु टूटने से बचाएं प्रभु, आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उनके रिश्तों को प्रभु आप जोड़ कर रखें मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। प्रभु जो मम्मी पापा प्रभु अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उसके फ्यूचर्स के लिए चिंतित हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई के लिए, और पिता परमेश्वर न जाने कितने प्रकार के उनके भविष्य के लिए वो चिंता करते हैं, पर परमेश्वर आप प्रभु जी उनके लिए उनकी सारी चिंताओं को ले लीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है, और आपकी करुणा और सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है परमेश्वर। उनके बच्चों पर आपका अनुग्रह है, आपकी करुणा है, आपकी दया है, आपकी सच्चाई है परमेश्वर उनके जीवन में मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। मैं इन सारी प्रार्थनाओं को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमको उत्तर दे दिया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये उत्तर हमें हाँ और आमीन में मिला है प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।